नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। बैसाखी का त्योहार बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसे बैसाखी या बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। ये हर साल त्योहार 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। त्योहार को पंजाब और हरियाणा में काफी हर्षोल्लास के साथ सिख समाज द्वारा मनाया जाता है। बताया जाता है कि इस महीने में रबी की फसल पककर पूरी तरह तैयार हो जाती है और उसकी कटाई भी शुरू हो जाती है। इसीलिए बैसाखी को फसल पकने और सिख धर्म की स्थापना के रूप में मनाया जाता है। जी, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? सावन कीर्तन जी, ये बटेगा अपना बाबा जी का प्रसाद जी, जी दिन में लंगर चल 12:30 में। आपका नाम? हरपाल सिंह सडाना जी। धर्मदास जी, पांच लोग जो तैयार हुए, इनको अमृत छका के भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहम्मद सिंह, भाई साहिब सिंह तैयार किया। और ऐसे पांच प्यारे तैयार किए, आपने ये पहली बार इतिहास में ऐसा लिखा गया कि पहले गुरु ने पांच प्यारे तैयार किए और फिर उन्हीं पांच प्यारों के आगे सर्वस्तक करके खुद भी अमृत की दाद दी और खुद भी संग सजे। उस समय तक 1699 की बैसाखी तक गुरु गोविंद सिंह जी का जो नाम था वो गोविंद राय था। आज के दिन ही जो ये सुंदर स्वरूप सिर्फ को हमको मिला है, ये पगड़ी केस गुरु साहब ने विशेष तौर पे कंगा कड़ा केश कछहरा और कृपाण ये हमको पांच चिन्ह दिए, जिससे हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए पहले क्या होता था, जब औरंगजेब अत्याचार करता था तो भीड़ में जो गरीब लोग होते थे वो धीरे धीरे छूट जाते थे। लेकिन गुरु साहब ने जो चैलेंज दिया, उन्होंने कही कि ऐसी कौम तैयार करूंगा कि अगर 1,25,000 की जनता में भी कोई सिर खड़ा होगा तो अलग दिखेगा, और ऐसी बहादुर कौम तैयार करूंगा जो हमेशा सिर्फ गरीबों की और अत्याचारियों के खिलाफ लड़ेगी और गरीबों की मदद करेगी। ऐसी कौम तैयार की, साथ संग जो तीसरी कौम तैयार हुई। आज भी हिंदुस्तान में अपन लोग देखते हैं, लोग कहते हैं कि सिख अलग है, हिंदू अलग है, लेकिन नहीं, ये सोचने का विषय है कि जो पांच प्यारे तैयार किए थे गुरु साहब ने, पांचों हिंदुओं से ही तैयार करके सिख कौम तैयार की। और सिर्फ उसके पीछे मकसद ये था कि जो कि मजलूमों की रक्षा, गरीबों की रक्षा और अत्याचार का सामना करने के लिए ये कौम तैयार की। इस पावन पर्व की समूह संगत को बारंबार द्वारा गुरु सिंह सभा कमेटी तथा समूह प्रबंधक कमेटी वालों लाख लाख बधाई हो। आप भी शहर में एक ऐसा स्थान तलाश रहे हैं जहां एक ही छत के नीचे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल जाएं, तो फिर देर मत कीजिए। टेलीविज़न, एसी, वॉशिंग मशीन और भी तमाम सारे आइटम यहां पर एक ही छत के नीचे लेकर आया है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हां, और एक खास बात आपको बता दूं, क्या एक रुपए में भी आप कोई आइटम घर ले जाना चाहते हैं? जी हाँ, यकीन नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसा ही है। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और ये तमाम विशाल श्रृंखला, फ्रिज हों, एसी हैं, कूलर हैं, पंखे हैं और भी न जाने क्या क्या घर में उपयोग होने वाले तमाम आइटम यहाँ पर उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही कम कीमत में, जी हाँ, बाजार मूल्य से कम कीमत, सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल यहाँ पर उपलब्ध हैं। खासकर जो लेटेस्ट मॉडल आते हैं वे सबसे पहले यहाँ पहुँचते हैं।
और युवाओं का यहाँ पर विशेष रुझान रहता है। एक भरोसेमंद नाम है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं ये विशाल रेंज यहाँ पर मोबाइलों की मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है। गर्मी का सीजन है और कूलरों की डिमांड बढ़ गई है। ये कूलर गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको मिल जाएंगे। हर प्रकार के, हर ब्रांड के, हर कंपनी के कूलर यहाँ मौजूद हैं।